इसके समीप जाना उचित नहीं होगा। संभव है ये भी इस दुष्ट की कोई माया हो। इसका शिथिल पड़ा शरीर, श्वास की मंद गति इसका संकेत है कि इसके प्राण अब छूटने ही वाले हैं। दशानन मरणासन है। स्वामी के जीवन दीपक की लौ मंद कैसे पड़ गई? कैसे संभव है ये जब उनका मृत्यु बाण यही सुरक्षित है? ओम ओम जोम शा, ओम जोम सोम स्वा, ओम जोम सोम स्वा, ओम जोम सोम स्वा। अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है ये दुष्ट। अंततः धर्म ने अधर्म को परास्त कर ही दिया। प्रभु श्री राम ने इस दुष्ट रावण के अधर्म युक्त कुशासन का सदैव सदैव के लिए अंत कर दिया। प्रभु श्री राम ने इस दुष्ट का अंत कर दिया। धर्म की जीत हुई है, विजय हुए हैं हम। जय श्री राम। रुकिए, रुक जाइए आप सभी। ये क्या कर रहे हैं आप? आपका ये कृत्य प्रभु श्री राम के सैनिकों को शोभा नहीं देता। युद्ध में पराजित योद्धा का सम्मान करना भी एक योद्धा का परम धर्म होता है। लंकेश के अधर्म और अहंकार हमारे वास्तविक शत्रु थे इस युद्ध में। उनका नाश होने पर उनसे मुक्त शूरवीर योद्धा रावण के मरणासन शरीर का अपमान सर्वथा अनुचित है। इसलिए अब इन्हें वीर गति प्राप्त होने के पूर्व शांति पूर्वक इन्हें अपनी अंतिम श्वास लेने दीजिए। अधर्म की पराजय पर आनंदित होने के साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आज संसार एक महाज्ञानी खो रहा है।
प्रभु, कुछ समय पूर्व मैं इनकी पराजय, इनकी मृत्यु की कामना के साथ युद्ध भूमि में इनके विपक्ष में खड़ा था, परंतु अब मुझसे इनकी ऐसी दुर्दशा क्यों नहीं सही जाती? विभीषण जी, जैसा अभी हनुमान ने भी समझाया था, जिसके विरुद्ध आप युद्ध कर रहे थे वो एक अहंकारी अधर्मी है, परंतु अब जिसके लिए आप द्रवित हो रहे हैं वो आपका अग्रज भ्राता है, उनके लिए दुखी होना पूर्णतया उचित है, इसलिए जाइए विभीषण जी। रावण के अंत के क्षणों को व्यर्थ मत गवाइए, अपने भ्राता के इन अंतिम क्षणों को अपने भ्राता के साथ ही बिताइए। कैसा दुर्भाग्य है मेरा, निस्तेज कांतिहीन मेरी अवस्था में आपको कैसे देखूं? आपको बारंबार समझाया मैंने, परंतु आपको अधर्म से रोकना मेरे लिए असंभव हो गया था। एक और विभीषण जी के लिए यह क्षण घोर दुख और अवसाद के क्षण हैं, क्योंकि वो आज अपने अग्रज को खो रहे हैं, परंतु वहीं दूसरी ओर ये अत्यंत शुभ और प्रसन्नता से परिपूर्ण पल भी है, क्योंकि अब शीघ्र ही प्रभु श्री राम से माता सीता का सुखद पुनर्मिलन होगा। देवी मंदोदरी की व्यथा ने मुझे व्यथित कर दिया है, दुष्ट रावण के कुकर्मों का फल आज उन्हें और संपूर्ण लंका को भी भुगतने पर विवश होना पड़ा है, परंतु आज ये अस्त होते सूर्य देव की शुभ्र आभा को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो अस्त नहीं उदित हो रहे हो, परंतु ये शुभ संकेत के बाद भी मेरे हृदय में आज के युद्ध को लेकर अनेकों आशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि मेरे स्वामी के पास से शुभ संवाद आने में इतना विलंब हो रहा है। आप निश्चिंत रहें देवी, प्रभु का कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। आपका कथन सत्य है त्रिजटा, परंतु आज मैं अनेकों आशंकाओं से ग्रस्त हूँ, कहीं ये शुभता लंकाधिपति के लिए तो नहीं, कहीं मेरे स्वामी किसी संकट में तो नहीं। माता सीता तो बड़ी अधीरता से इस शुभ समाचार की प्रतीक्षा कर रही होंगी, संभव है उन्हें ज्ञात भी न हो कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ है। मुझे तुरंत जाकर उन्हें यह समाचार देना चाहिए। जय श्री राम। मुझे इसी परिणाम का भय था भ्राता जी, आज आपकी ऐसी दुर्दशा मुझसे नहीं सही जा रही है, नहीं सही जा रही। दिगंबर विजेता मेरे प्राता श्री इस समय पृथ्वी पर समर्थहीन
निर्बल असहाय पड़े हैं। जिस अधर्म ने मुझे आपसे दूर किया, अब तो उसका परित्याग कर प्रभु श्री राम को अपने हृदय में धारण कीजिए। वो आपके सभी पापों को क्षमा कर आपको मोक्ष दान देंगे। शरणागत वत्सल प्रभु श्री राम के शरणागत बनी। आप धर्म से मुख मोड़ रहे, ऐसा मत करिए भ्राता श्री। अब तो मेरा कहा मान लीजिए भ्राता श्री। अनेकों मायावी और वरदानी शक्तियों का स्वामी अहंकारी हठी रावण विजय प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए आज के युद्ध को लेकर मैं चिंतित हूँ। देवी, आपकी चिंता व्यर्थ है। इतने शुभ संकेतों के बाद भी आप चिंतित क्यों हो रही हैं? नहीं त्रिजटा, कभी कभी ये शुभ संकेत भी भ्रामक हो जाते हैं। देवी मंदोदरी का यहाँ से व्यग्र होकर जाने से मुझे आभास हुआ है कि यहाँ लंका में आज एक नवीन प्रारंभ होने वाला है। आज यहाँ एक निर्णायक परिवर्तन होने वाला है। आप सर्वथा उचित कह रही हैं माता। प्रणाम माता। यहाँ आने वाला परिवर्तन अशुभ नहीं अपितु अत्यंत शुभ है। पुत्र, तुम्हारे मुख के भाव से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम जो भी समाचार लाए उसको कहने के लिए अत्यंत आतुर। हाँ माता, मेरे अंतर का उल्लास ही मेरे मुख से व्यक्त हो रहा है, क्योंकि मैं आपको प्रभु श्री राम की अधर्म पर धर्म की विजय की शुभ सूचना देने प्रस्तुत हुआ हूँ माता। माता, अंततः प्रभु ने रावण को परास्त कर दिया और अब रक्षराज दशानन मरणासन अवस्था में है। माता, फिर आप रो क्यों रही हैं? माता, मैं तो शुभ संदेश लेकर आया हूं, परंतु वो सुनकर आपके नेत्रों से यह अश्रु धारा क्यों बहने लगी? जय श्री राम। माता, समझा, जो प्रसन्नता आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती वो अश्रु रूप में प्रकट हो रही है माता। हाँ हनुमान, नकारात्मक परिवेश में भय, संशय और अनिष्ट की आशंकाएं हृदय में घर कर लेती है। अच्छे में भी बुरा दिखाई देने लगता है। कदाचित मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मुझे अपने स्वामी के बल पर संदेह नहीं, परंतु हाँ, मुझे ये निराशा सता रही थी, जिससे आज मुझे मुक्ति मिली है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ हनुमान। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ हनुमान।
परंतु मेरे स्वामी की विजय का श्रेय तो तुम्हें ही जाता है। तुम्हारे बिना ये संभव नहीं था हनुमान। जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास। माता ऐसा ना कहें, मैं तो मात्र प्रभु श्री राम का एक सेवक हूँ। माता मैंने जो भी किया वो तो उन्हीं के नाम की महिमा का परिणाम है। और माता प्रभु ने तो अंतिम युद्ध एकाकी ही लड़ा था, जिससे आपको कष्ट देने का दंड उस दुष्ट को वे स्वयं दे सकें। माता यहाँ आपने अनेक यातनाएं भोगी हैं। माता अब दुख के मेघ सदा के लिए छट जाएंगे। माता अब शीघ्र ही वो शुभ घड़ी आएगी जब प्रभु और आपका सुखद मिलन होगा। माता मुझे विश्वास है प्रभु श्री राम आपको शीघ्र ही अपने समीप बुलाने का प्रबंध करेंगे। भैया अब आप शीघ्र भाभी माँ को बुला लीजिए। हनुमान आपकी विजय का समाचार लेकर जा चुके हैं। मेरे प्रिय अनुज लक्ष्मण, हमारा जन्म राजवंश में हुआ, परंतु हमारे जीवन का अधिकतम समय वन में ही बीता है। बाल्यकाल में गुरु विश्वामित्र के सानिध्य में और उसके पश्चात 14 वर्ष के वनवास में, इस समय हमने ऋषि मुनियों की बहुत सेवा की, धर्म के मर्म को सीखा जाना, परंतु राजनीति का ज्ञान सीखने का कभी कोई अवसर ही नहीं मिला हमें। परंतु अब राजनीति का महाज्ञान सीखने का समय आ गया है लक्ष्मण। और लक्ष्मण, राजनीति के परम ज्ञाता दशानन रावण से उत्तम गुरु और कौन हो सकता है? इसलिए जाओ लक्ष्मण, राजनीति के महाज्ञाता रावण से महाज्ञान प्राप्त करो। प्रत्येक व्यक्ति में गुण और अवगुण दोनों होते हैं। ये सामने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो उसे पहचान पाता है या नहीं।